धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मुर्शिद प्यारे प्यार तेरे बिन पल भी रहना नहीं, दर्द जुदाइयां वाला दिल ने पल भी सहना नहीं, अपने चरनी दाता साड़ी और निभा देना। तू याद रहे, तू याद रहे ते सानू साडा आप ला देना। तू याद रहे मुर्शिद प्यारे, प्यार तेरे बिन पल भी रहना नहीं, दर्द जुदाइयां वाला दिल ने पल भी सहना नहीं, अपने चरनी दाता साडी, अपने चरनी दाता निभा देना। तू याद रहे, तू याद रहे ते सानू साडा आप ला देना। तू याद रहे, हो तू याद रहे, तू याद रहे। इश्क तेरे विच रच के तन मन खिड़ता जाता है, वखरा सुरूर तेरे प्रेम जामदा सानू आउंदा है, इक वी पल ना उतरे ऐसा, इक वी पल ना उतरे ऐसा नशा चढ़ा देना। तू याद रहे, तू याद रहे ते सानू साडा देना। तू याद रहे, मन टिकन ना दिंदा सी तुसा रहमत कीती जी, प्रेम दे कुट तेरे हथों इस मन ने पीती जी, हुण बिराग दे रस्ते सानू, हुण बिराग दे रस्ते सानू चलन सिखा देना। तू याद रहे, तू याद रहे ते सानू साडा आप ला देना। तू याद रहे, ओ तू याद रहे, तू याद रहे। शाह सतनाम जी प्यार ही मंगते, होर कुछ ना मंगते, एही हसरत एही आरजू प्यार दे विच रंगते, एही हसरत एही आरजू प्यार दे विच रंगते, सोहणिया प्यार दे विच रंगते, सोहणिया प्यार दे विच रंगते। दास मीत कहे सब की दाता, दास मीत कहे सब की दाता, प्यास बुझा देना। तू याद रहे, तू याद रहे ते सानू साडा आप ला देना।
हसरत रे ही यार दू प्यार रे विच रंग दे दासमीत कहे सब की दाता प्यास बुझा देना तू याद रहे बच्चे को अपने माँ बाप से कभी गाली गलौज या मार पिटाई नहीं करना चाहिए। राड़ से बाढ़ अच्छी ये कहावत कि झगड़ा है तो बाढ़ कर लो वही चीज़ कि मैं तेरे खेत में नहीं आता जिम्मेदार करते तू मेरे में ना आना झगड़े खत्म। तो उसी तरह अगर लगे कि ऐसा है तो उससे किनारा किया अच्छा है। और अगर बुजुर्गों को लगता है कि बच्चा गलत राह में चल रहा है सिर्फ उसे दोष मत दीजिए। हो सकता है उसके सामने आपने भी कोई ऐसी बातें की हो। ठीक है अब आप समझदार हो गए बाल सफेद हो गए सब ठीक है लेकिन जब वो छोटा था आपने उसके सामने गाली गलौज किया होगा मार पिटाई की होगी झूठ बोला होगा तो अब वो बोलने लगा है तो उसको हैंडल थोड़ा ध्यान से खींचे। ये मत सोचिए कि पता नहीं किसका है तो आपका ये आपसे ट्रेंड हुआ है क्योंकि आप गाली गलौज देते थे आप गुस्से में रहते थे हर समय बुरा बोलते थे आपको देखे देखे बच्चा भी पैसा हो गया। तो प्यार से मोहब्बत से कोशिश कीजिए कि उसको सही राह पे लेके आओ। फिर भी नहीं आता विवाह शादी हो जाती है उसके घर गृहस्थ का बोझ डालो वो जाने फिर उसका परिवार जाने हिस्सा जो बनता है वो हर किसी पे झिझक बे लाग दे देना चाहिए। तो ये तो दुनियावी चर्चा थी ये भक्त को कैसा रहना चाहिए। जैसे कमल कीचड़ में रहता है फिर भी आवाज बड़ी गजब की होती है मुर्गा भी पानी में रह के भी अपने पंख सूखे रखती है। उसी तरह संसार में रहती हुई आप बुराइयों से अपने आप को बचा के रखो आपके अंदर बुराइयां आने ना पाए। चाहे संसार में कोई कैसा भी छली है टपटी है ठगी बीमारी कुछ भी करता है निंदा करता है बुरे काम करता है आप चस्का क्यों लेते हैं बचिए ऐसे लोगों से। जितना बचोगे सुखी रहो जितना चोंच मिलाओगे उतने दुखी हो जाओ। ये दुख ऐसा नहीं होता जो दिखने में आता है आम आदमी नहीं देख सकता पर हम ऐसे लोगों को जानते 100% सतगुरु की कृपा से जो दिखने में चाहे कितना भी दिखाते रहें कि हम तो खुश हैं पर अंदर से बेचैनी से बुरा हाल होता है क्योंकि निंदा चुगली एक ऐसी बीमारी है जो बाहर नहीं अंदर जख्म करती अंदर और आदमी उसमें तड़पता ही चला जाता है। इसलिए कभी किसी को बुरा ना करो। बुरा कहने से पहले अपने अंदर निगाह मारो क्या आप में कमियां नहीं है। अगर खुद में कमियां हैं तो दूसरों की क्यों गिनवा रहे हो पहले अपने वाली दूर करके दिखाओ अगर हिम्मत है तो अगर दूर नहीं कर सकते तो दूसरों की ना गिनाओ। आदमी अपने आप को सुधार ले इतना ही काफी है। सारी दुनिया का तो संत पीर फकीर देखा लेके आते हैं कि उनको सुधारना है आप अपने तक सीमित रहिए। कभी बुराई का संग ना करो सोहबत ना करो गलत चीज खाओ पियो ना। आनंद के लिए आदमी नशे करते हैं क्षणिक आनंद आता है लेकिन वो नशा बर्बादी का घर तिल तिल करके मारता है। मेडिकल नशे हैं टेबलेट्स वगैरह हैं चर सेरोन्स में भांग दूर अफीम शराब बहुत सारे नशे हैं तो ये सारे नशे ही बर्बाद करने वाले हैं। इनमें कोई मजा नहीं है टेम्परेरी है सब कुछ। अगर परमानेंटली मजा लेना है तो आप अपने अंदर के हरी रस को पी के तो देखो एक बार नशा चढ़ गया एक बार लज्जत आने लगी तो परमानेंटली लगातार कंटिन्यू वो लज्जत आती रहेगी और आपके चेहरे पे नूर छा जाएगा। अब चेहरा किसी का सफेद है ऊपर मन पक्का सामान लगाया हुआ है लिपा पोती आजकल बड़ी खरी में शरीर में आती पहले लोग मुंह को पॉलिश करते थे आजकल मुंह को पॉलिश करते हैं। तो आप पॉलिश देख के नूर मत समझो पॉलिश के नीचे बेनूर चेहरा जब निकलेगा तो डर जाओगे। हमने देखा कि इतनी पॉलिश करते देखने में लगते यार कमाल है इसका भाई बड़ा सुंदर है और जैसे ही वो पॉलिश उतरती है तो बुरा हाल होता है क्योंकि ये पॉलिश भी कहते बड़ी घातक है डॉक्टर साहबान बताते हैं केमिकल्स जो हैं धीरे धीरे स्किन को बुरा हाल कर देते हैं। बाकी तो राम जाने भाई
तो हम किसी को रोकते नहीं चाहिए, मन की जगह दो मन तो करो भाई, कहीं आप सोचो गुरु जी रोक रहे, नहीं हमने क्या लेना है। पर एक बात ख्याल में आ गई कि नूर वो नहीं होता जो पॉलिश करके लाया जाए, नूर वो होता है जिसे कभी मिटाया ना जाए, जो कभी नहीं मिटता, जिसे किसी और चीज का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप देखेंगे चेहरा नूर से चमकता हुआ नजर आएगा। तो क्यों नहीं अपने अंदर वो नूर को पैदा करते जिससे चेहरे पे खुशियां आ जाए, सकुन आ जाए। और उसके लिए सुमरण तो करना पड़ेगा, भक्ति इबादत करना होगा, उसके बिना ये संभव नहीं है कि आपके चेहरे पे नूरानी आभा आ जाए। आप घर गृहस्थ में रहते हुए जैसे खाने पीने के लिए समय निकालते हैं, वैसे सुबह शाम ओम हरि अल्लाह राम के लिए आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, एक घंटा लगा 23 घंटे काम धंधे के लिए आपके पास लगे रहो, बन जाओ कोलू वाला भाई। लेकिन आधा घंटा सुबह शाम तो राम को जप के देख लो, काम करके भी आपने देख लिया क्या रिजल्ट निकला, और राम का नाम लेके देखिए क्या नशा आता है, क्या सरूर आता है, क्या मजा आता है, कहने सुनने से परे। मर्जी आपकी, बताना हमारा फर्ज, क्योंकि जो करके देखा हो, सतगुरु मालिक की रहमत हुई हो, जो धर्मों में बताया हो, फकीर वही बताते हैं, और जो कर ले बेड़ा पार हो जाता है। ना माने भाई, आदमी की मर्जी, आदमी के कर्म, किसी का उसमें क्या जाता है। तो मालिक का नाम जपने से तमाम खुशियां मिलती हैं, मालिक का नाम जपने से आदमी के अंदर बाहर की सफाई होती है, और परम पिता परमात्मा के दर्श द्वार के काबिल एक दिन इंसान जरूर बन जाता है। इंसान को हमारे धर्मों में यह शिक्षा मिली है कि करके खाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में यह फरमाया है, कड़ा परिश्रम मेहनत की कमाई अमृत समान होती है। अगर आप किसी का हक मार के खाते हैं, अगर आप किसी के मुंह की कौर छीन के खाते हैं, तो आपके लिए हरी रस अमृत का काम नहीं करेगा, बल्कि आपको धीमे जहर का सामना करना होगा। इसलिए किसी का हक मार के कभी ना खाओ, मेहनत की कमाई कड़ा परिश्रम करके खाओ। इस्लाम धर्म कहता है हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, मांगना आपके ऊपर हराम किया जाता है। सिख धर्म कहता है कड़ा परिश्रम, दशा नवादि कृत करो और आपस में बांट के खाओ। इंग्लिश फकीर कहते हैं हार्ड वर्क, जीवन यापन के लिए मेहनत की कमाई करो। तो मेहनत की कमाई में जो आनंद है, जो खुशी है, वो कहने सुनने से पाई है। मेहनत की कमाई का थोड़ा सा पैसा, पाप जुर्म टक्की बीमारी का बहुत सारा पैसा, दोनों का जमी आसमान का फर्क है। माना कि बुराई से आया हुआ पैसा ऐशो इशरत के साधन बहुत बना देता है, कारें, गाड़ियां, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर इत्यादि इत्यादि, लेकिन उनमें अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए और सारा परिवार खत्म हो जाए, सब माल धरा धराया रह जाता है, क्योंकि पाप जुलम की कमाई का कोई भरोसा नहीं, कब दगा दे जाए। मेहनत की कमाई तो आखिर मेहनत की कमाई होती है। इस पर आपको एक बात सुनाते हैं कि मेहनत की कमाई में कितनी बरकत होती है। बहुत पहले की बात है, दिल्ली का एक बादशाह था, तो मेहनत की कमाई करता था, कड़ा परिश्रम करना, और उससे जो भी मिलता खुद खाता था, और एक नौकर रखा हुआ था उसको भी तनख्वाह देता था, दो अशरफियां या जो भी था। तो कई बार नौकर का उधार रह जाता, काफी काफी देर वो बादशाह नौकर को उसकी तनख्वाह ना दे पाता। तो एक बार वो जो नौकर था उसके घर से चिट्ठी आई, भाई तू तो वहां जाके अड्डा लगा लिया, बेटी की शादी होने वाली है, बेटी शादी के काबिल हो गई, आप आओ अपने बादशाह से कुछ इंतजाम करके और बेटी की शादी। उसने बादशाह से कहा, हे बादशाह सलामत, हे राजन, मेरी बेटी है वो जवान हो गई, शादी के लायक है, मैंने घर जाना है, आप मुझे कुछ इंतजाम कर दीजिए। तो बादशाह बेचारा मुस्कुरा के कहने लगा, हे नौकर, तुझे मालूम है मैंने तेरी तनख्वाह देनी है, 2-3 महीने की बकाया है,
कोशिश करूंगा जल्दी दे दूं, तू इंतजार कर, एक महीना गुजरा, दो गुजरे, तीन गुजरे। बड़ी मुश्किल हुई, वो बादशाह इतना नहीं कमा पाया कि उस नौकर की पिछली तनख्वाह ही दे सके, और राज खजाने से वो लेना पाप समझता था। तो नौकर कहने लगा, जी नौकर ने देखा कि बादशाह पहले भी नहीं दे पाता, क्या रंग लगाना इस बादशाह, अरे इतने खजाने भरे पड़े मुझे दे दे। तो फिर मन में अंदर ही अंदर अफसोस करके रह गया, सोचा चलो चलते। कहने का बादशाह सलामत मैं जा रहा हूँ, कोई बात नहीं मैं इंतजाम कर लूंगा। बादशाह भी समझ गया इसके अंदर दिल में बहुत दुख है कि इतने बड़े बादशाह का नौकर खाली हाथ जा रहा है। तो बादशाह कहने लगा, ठीक है मैं खाना कम खा लूंगा, ऐसा करना ये चंद अशरफियां ये ले जा दो जो मेरी मेहनत की कमाई है, और याद रखना ये दो चार अशरफियां जो है ना इसे अशरफियां मत समझना, ये करोड़ों अशरफियों के बराबर है। तो नौकर ने सोचा कि ठीक है, कहने लगा ये मैं मालिक की भक्ति करता हूं और ये मेरी मेहनत हक हलाल की कमाई है। नौकर ने कहना टरका दिया, कोई बात तो है नहीं, पैसा तो है नहीं, अब और क्या कहूँ। कहने लगा जी ठीक है, अब राजा के सामने बोले कौन। अशरफी चुपचाप ले ली, चलने लगा, घोड़ा घोड़ा था उस पर सवार हुआ, लगा कि दो तीन रातें लगेंगी। तो उसने एक शहर पार किया तो अनार थे बहुत ही अच्छे, उसने सोचा और फल तो खराब हो जाएगा, चलो ये दो अशरफियों के अनार ले लेता हूँ तो घर में बाल बच्चे खा लेंगे। तो दो अशरफियों का काफ़ी अनार आ गए, उसने घोड़े पे रख लिए काफ़ी किलो अनार, चल पड़ा एक रात अगली रात तो दूसरे राज्य में पहुंच गया। राजधानी से गुजर रहा था तो ढिंढोरा पिटवाया जा रहा था, अनाउंसमेंट हो रही थी कि किसी के पास अनार हो एक अनार के बदले बादशाह जितना चाहे उतना धन दे देंगे, अनार होने चाहिए। उस इलाके में अनार नहीं थे। उसने अनाउंसमेंट करने वाले से पूछा, भाई आगे क्यों हूं, क्यों चाहते हो अनार, ऐसा क्या हुआ। कहने लगे बादशाह की बेटी बेहोश है, बहुत बड़े बड़े वैद्य हकीम आए हैं, उन्होंने कहा है कि अगर अनार का रस मिल जाए उसमें हम दवाई तैयार करें तो ये बेटी जरूर होश में आ जाएगी, वरना तो मौत के मुंह में जा रही है। कहने लगा ऐसा है मुझे बादशाह के पास ले चलो, मैं इलाज कर दूंगा, क्योंकि वो जानता था दरबारियों को कि अगर इसको पकड़ा दिया तो मेरा तो पत्ता साफ कर देंगे, वो खुद ही ले लेंगे। कहने लगा नहीं नहीं, वो कहता क्यों, कहता मेरे पास दवाई है, मैं इलाज जानता हूँ। कहने लगा ठीक है ले चलता हूँ। वो बादशाह के पास ले गया, जी बादशाह सलामत, जी भाई आए हैं और ये कहते हैं कि इनके पास कोई इलाज है, दवाई है, ये इलाज कर देंगे। वैद्य हकीम कहने लगे ऐसे कैसे। तो वो कहने लगा बादशाह बड़ी सी पोटली थी वो उठाई घोड़े से कि आपको अनार चाहिए, कहता हाँ, कहता ये लो जितने चाहिए ले लो, कई किलो थे। तो बादशाह की माशी गिर गई कि मेरी बेटी बच जाएगी। ऐसे वैद्य हकीम जो थे वो बड़े खुश हुए, उन्होंने अनार का रस लिया, दवाई बनाई और जैसे ही उस बच्ची को दी तो वो बेटी हंसती हुई बैठी हुई। बादशाह को बहुत प्यारी थी, बादशाह बड़ा खुश हुआ, कहने लगा भाई तू कहाँ से आया है और किस लिए जा रहा है, किधर जा रहा है। कहने लगा हे राजन मैं फलां देश से आया हूँ और फलां जगह जा रहा हूँ, और मेरी बेटी की शादी है, यहाँ मैं नौकरी करता था, उसका जूस राजा ने मुझे कुछ नहीं दिया, बस दो अशरफियाँ दी थी, अनार दिए थे, मैंने सोचा बच्चों के लिए ले चलता हूँ। कहने लगे अच्छा तेरी बेटी की शादी है, कहते हाँ, कहते रथ लाओ भाई, रथ ले आए। कहते ऐसा कर इसमें जितने हीरे जवाहरात तो भरे जा सकते हैं भर ले सारे। खजाने का मुंह खोल दिया, हीरे जवाहरात भर दिए। कहने लगा ऐसा है ऐसे नहीं, एक रथ और लेके जा ताकि तेरी बेटी की शादी धूमधाम से कर, जितना खाने पीने का सामान चाहिए वो भी हम फ्री में देंगे और नौकर जाकर भी ले जा। तो तब उस नौकर की आंखों में आंसू बहने लगे कि मेरा बादशाह कहता था हक हलाल कड़ा परिश्रम की जो दो अशरफियां हैं ये करोड़ों के बराबर है, मैं तो करोड़ों से बढ़ के सामान ले जा रहा हूं, सिर्फ दो अशरफियों के अनार लिए थे। तो ये वास्तविकता है, मेहनत की कमाई आदमी को बड़ा ही सुख।